सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा याद रखो एक बात को, बस सफल बनना है एक दिन अपने आप को। दिमाग में हमेशा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, पूरे दिन ये याद रखो कि मुझे सफल होना है, मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसा आप 24 घंटे सोचोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। चाहे आप दिन में पढ़ो, चाहे आप रात में पढ़ो, चाहे आप दोपहर में पढ़ो, डजेंट मैटर। जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन, बोर्ड पर देख सकते हैं आज मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट या तो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन पेड कोर्स लिया करते हैं। मैं किसी भी चीज़ की बुराई इसमें नहीं कर रहा हूँ, ना किसी चैनल के बारे में इसमें बुराई कर रहा हूँ, बस मैं अपने आइडिया से अपने रिव्यू दूंगा। चलिए सबसे पहले मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा ऑनलाइन पेड कोर्स और ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में, उसके बारे में कहना चाहूँगा। बुरे कोई भी नहीं है, लेकिन आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट वगैरह करना, अपने व्यूज़ देना, रिव्यूज़ देना, जो भी आपको लगता है वैसा। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं डाउट। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में आप डाउट को क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई समस्या आ जाती है पढ़ते समय, उसमें डाउट आप क्लियर नहीं कर सकते, जबकि ऑफलाइन में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, तुरंत हाथ उठाएंगे और अपने सर से पूछेंगे ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क की एरर, ऑनलाइन आप कोचिंग करते हो, ऑनलाइन पेड कोर्स में लाइव वीडियोस देखते हो, कहीं कहीं बार उसमें एरर आता है। एरर आने के बाद आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें कहीं कहीं बार, और आप मोबाइल बंद करके चले जाते हो, और कई कई बार ऐसा होता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, इसका मतलब आपकी क्लास भी वहाँ वेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ऑफलाइन में, ऑफलाइन में नेटवर्क की कोई भी समस्या नहीं होती है। सिलेबस, ऑनलाइन पेड कोर्स में आपको सिलेबस कम करवाया जाता है, क्योंकि आपको बुक से पढ़वाया ही नहीं जाता, और अगर किसी ने बुक से पढ़वाया है तो वो अपनी बनाई हुई कोई बुक होती है, जो इधर उधर से टिप टाप के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाता है। जब एग्जाम देखने को मिलता है तो देखते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आता, जबकि यहाँ पर सिलेबस आपके सामने बुक्स रखी जाती हैं और बुक से आपको सिलेबस करवाया जाता है, और पूरा का पूरा शुरू से एंड तक पूरा सिलेबस करवाया जाता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन कोचिंग में आपको पूरा का पूरा चीज पढ़वाया जाता है। एक बात और बोलना चाहूंगा, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनका कोचिंग बहुत दूर है और वो असमर्थ हैं कोचिंग करने के लिए, तो ऑनलाइन पेड कोर्स ले रहे हैं तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ ना सही से कुछ तो भला, अगर वो अपने आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन से ग्रहण कर रहे हैं तो बेटर है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन करते तो उससे डबल ट्रिपल उनको फायदा होता, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। अब आती है बुक्स नॉट अवेलेबल। ऑनलाइन वाले बुक्स अवेलेबल नहीं करवाते हैं, जबकि ऑफलाइन वाले बुक्स अवेलेबल कराते हैं। बुक्स का एक फायदा है, हम जब जब घर घर पे पढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि मैंने 10 पेज कर लिए, मैंने 20 पेज कर लिए, और पूरी बुक में 100 पेज हैं, तो भैया मैंने 100 पेज कंप्लीट कर लिए, अब मैं यूपी पुलिस का एग्जाम निकाल दूंगा, अब मेरा सिलेबस कंप्लीट। लेकिन आप ऑनलाइन पेड कोर्स के सिलेबस को करेंगे तो आपके मन में डाउट होगा ही होगा, क्या इस इतने में से हो जाएगा, बुक में तो इतना ज़्यादा दे रखा है और ऑनलाइन में इतना कम दे रखा है, क्या इसमें से हो जाएगा, ये आशंका आपके अंदर बनी रहती है ऑफलाइन। अब इसमें क्या आता है, नॉट शेयरिंग डाउट्स। जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑफलाइन इकट्ठा होते हैं, जरूरी नहीं है वो ऑफलाइन कोचिंग ही हो, ऑफलाइन अगर आप पढ़ते हैं भी हैं, अपने आप सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, अपने यारे दोस्तों के साथ भी पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन का मतलब मैं वो कहना चाहता हूं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ऑफलाइन कोचिंग ही मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब ऑफलाइन कोचिंग से भी है, मेरा मतलब ऑफलाइन मतलब घर बैठे बैठे भी है, मेरा मतलब ग्रुप में आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी है। यहाँ पर आप डाउट शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, आप यारी दोस्ती बैठे हुए हैं, भैया मेरे को नहीं आ रहा, आप सॉल्व कर रहे हो, कोई कोई अपने पड़ोस वाले से पूछ लिया, अच्छा मैं बताता हूँ, दूसरे से पूछ लिया, तीन चार जने एक साथ करते हैं, देखते हैं कि यार इसका तो क्वेश्चन अच्छा किया है, इसने क्वेश्चन अच्छा किया है, तो इससे क्या होता है, आप शेयरिंग करते हो, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन में देखते हैं तो उसमें आप किसी से पूछ ही नहीं सकते, ना किसी को यार दोस्त बना सकते हो, तो इंटरेस्ट पढ़ाई के खिलाफ आपका हो नहीं पाता है, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, अनएक्टिव। ऑफलाइन, ऑनलाइन में आप अनएक्टिव रह जाते हो, लेकिन ऑफलाइन में एक्टिव रहते हो, आप कहीं दूर जा रहे हो, एक्टिव हो, आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हो। ऑनलाइन में आप यूँ लेट लेट के मोबाइल देख रहे हो, यूँ करके गेम खेल रहे हो, कोई नोटिफिकेशन आया उसको सर्च किया, कोई नोटिफिकेशन आया उसको सर्च किया, अच्छा भैया मैसेज आया, कॉल आई, कॉल पिकअप कर लेते हो। लेकिन आप देखते हो कि ऑफलाइन में आप कोई भी कॉल पिकअप नहीं करते हो, कोचिंग में तो स्विच ऑफ करवा लेते हैं फ़ोन, अगर आप यारी दोस्ती में हो तो आप यारी दोस्ती में भी कहीं कई बार आप साइलेंट पे रख के पढ़ते हो, क्या आप
ऑनलाइन जब आप पेड कोर्स करते हो, जब क्या आप साइलेंट करके पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। वो जैसी नोटिफिकेशन आया कॉल हेलो, जैसी कोई सा कॉल आया हेलो, या कोई सा कुछ आया तो उस पर सर्च कर देंगे, कोई फ़ोन करेगा तुरंत, क्योंकि उनका फ़ोन 24 घंटे हाथ में रहता है, लेकिन ऑफलाइन में हाथ में नहीं रहता, कहीं दूर रखे रहते हैं, या तो स्विच ऑफ करके रखते हैं या साइलेंट, तो आपको पता ही नहीं लगने का, मोबाइल में जाओगे ही नहीं। ऑनलाइन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि वो फील्ड लेवल पर होते हैं, बिल्कुल बुक में करवाते हैं। ऑनलाइन में आपको गिने चुने क्वेश्चंस की ही ट्रिक बताते हैं, गिने चुने ही क्वेश्चन कराते हैं जिनकी ट्रिक्स बनती है, लेकिन ऑफलाइन में बुक्स के वो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में नहीं बताते। ऑनलाइन में उसी की ट्रिक बताते हैं जो वो आपको करवाते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट ऑनलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है, लेकिन हमारा यूपी पुलिस का, आपको पता है यूपी पुलिस का पेपर जो होना है वो ऑफलाइन होना है, तो हम तैयारी ऑफलाइन के हिसाब से करेंगे, ऑनलाइन के हिसाब से नहीं करेंगे। ऑनलाइन में आपको ये पिछले पेपर्स के हिसाब से दिखा देते हैं, एक दूसरे की टेस्ट सीरीज आपको दिखा देते हैं, बहका देते हैं, और बस आपका पागल कट जाता है। आप ऑनलाइन के बेस पे करेंगे तो आपकी स्क्रीन देखो, एक आप स्क्रीन से टेस्ट दे रहे हो, एक आप पेपर से दे रहे हो, दोनों में अंतर आएगा। आप देखोगे स्क्रीन से अगर आप लगातार कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन में दिक्कत होगी, पेज के साथ करोगे तो दिक्कत होगी, और स्क्रीन से कर रहे हो दिक्कत होगी, उसमें क्लिक कर रहे हो आप, क्लिक करके आप कहते हो कि भैया मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन जो कर रहा है वो ओएमआर शीट पे भरता है, ओएमआर शीट पे उसका पूरा टाइम मैनेजमेंट पूरा पता रहता है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन ही ऑफलाइन के हिसाब से चल रही है, और जबकि उसमें सर्किल से आप टाइम बचाते हो। कंपैरिजन टू ईच, ऑफलाइन में आप एक दूसरे से यारी दोस्ती से कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे को, कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा दोस्त इतना अच्छा पढ़ा है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, उसकी टिप्स ले सकते हो, भाई यार तेरे तो मैथ्स में इतने नंबर आ जाते हैं, मेरे तो आ नहीं पाते, तू ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपनी बातें शेयर करता है और अपनी ट्रिक बताता है कि भैया ऐसे एग्जाम निकलेगा, मेरा पेपर ऐसे होता है, मैं घर पर इतना तैयारी करता हूँ, मैं मैथ्स को इतना करता हूँ, इसमें इतना करता हूँ, लेकिन आप ऑनलाइन में ये नहीं पूछ सकते बिल्कुल भी। अब कहीं लोग कहते हैं भैया ऑनलाइन में तो टाइम हमारा बच जाता है और ऑफलाइन में बर्बाद होता है। ऑफलाइन में बर्बाद टाइम उसी का होता है जो बहुत दूर गाँव में या कहीं पे कोचिंग करने जाता है, वरना घर पे तो ये भी ऑनलाइन में फ्री में भी पढ़ सकता है, जरूरी है पेड कोर्स में पढ़ना, फ्री के कई सारे चैनल हैं उसमें आप पढ़ सकते हो। मैं तो फ्री में जो भी मेरे को ऑफलाइन बुक के हिसाब से डाउट आता था मैं YouTube पे सर्च करता था, 3-4 चैनल खुलते थे और उसमें से जो बेस्ट आता था उसको डिटेल में लिख लेता था, और Google का भी सहारा लेता था, Google से भी टॉपिक क्लियर किया, YouTube से भी किया, और ये किया बिल्कुल फ्री में, कोई भी टेंशन नहीं है, मैं पैसे पेड कोर्स नहीं करता था। टाइम वेस्ट इसमें क्यों नहीं होता, इसमें नेटवर्क चले जाते हैं, ऑनलाइन में भी नेटवर्क चले जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है इसमें, इसमें आप ऐरी गैरी चीज़ें देखते रहते हो, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता अगर आप सफ़र नहीं कर रहे हो, क्या पता कोचिंग आपके आसपास हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं है। इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा है, इसमें बफरिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, इसमें लगातार पढ़ाई चलती है। ऑफलाइन में फुल सब्जेक्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट को क्लियर, देखिए फुल सब्जेक्ट ऑनलाइन आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है उस चैनल के सारे जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक्सीलेंट हो, है ना। ऑफलाइन और आप जहां से भी कोर्स लेते हो 95% सारे ऑल सब्जेक्ट का लेते हैं, यूपी पुलिस का लिया तो यूपी पुलिस का सबने ले लिया, कोई से भी चैनल से ले लिया। ऑफलाइन में क्या होता है, आपके आसपास कई सारे वो होते हैं, आप कहते हो भैया मैथ्स तो मैं उससे पढ़ूंगा, जीएस उससे पढ़ूंगा, ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन आप ऑनलाइन की आपको समझ नहीं होती इसलिए आप एक ही से सारे सब्जेक्ट करवा लेते हैं, जबकि हर टीचर का एक ज्यादा से ज्यादा दो सब्जेक्ट बेस्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट बेस्ट नहीं होते हैं। और इसमें आपको विकल्प है कि आप अलग अलग टीचर से पढ़ें अपने एरिया में, यार मैथ्स का वो है मैं उससे पढ़ लेता हूँ, इसका ये इससे, लेकिन आप ऑनलाइन में ऐसी ट्रिक को बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें कंपटीशन, अब आते हैं टीचर चेंज, ऑनलाइन में आप पेड कोर्स खरीद लेते हैं, कई कई बार आप देखते हो अंदर वो टीचर नहीं है जो दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत सारी शिकायत आप लोगों से ही मुझे मिली है, कॉल करके मिली है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया और आपको बता रहा हूं कि ये समस्या है। असल में मेरे पास कॉलें आती हैं कि भैया मैंने उनको कॉल करी, उन्होंने कॉल पिकअप नहीं करते और ये बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम होने वाला है, तुम्हें दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। लेकिन ऑफलाइन में क्या करते हैं, जब आपका एक बार भी कोर्स हो जाता है, उनका वो रहता है 6 महीने और उसके बाद भी 1-2 महीने वो एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑफलाइन वाले रिवीजन कराते हैं, जबकि ऑनलाइन वाले रिवीजन ना के बराबर करवाते हैं। कॉलिंग प्रॉब्लम, पेमेंट,
पेमेंट कहीं कहीं बात आपकी ऑनलाइन में फंस जाती है, लेकिन ऑफलाइन में फंसती नहीं है। ऑफलाइन में आप सामने टू सामने देते हैं और सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता है। इसमें कहीं कहीं बार आपकी पेमेंट गड़बड़ हो जाती है, फेल्ड हो जाती है, या वो कहते हैं कि हमारे तक तो पेमेंट पहुंची नहीं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मैंने जो भी बोला, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं ऑनलाइन पेड कोर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो आपको बात बोली है, बताई है, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कॉमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी को मेरे नंबर की जरूरत है, वो चाहते हैं भैया से मैं थोड़ी हेल्प लेता हूं, भैया का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेता हूं, भैया ने कैसे क्या क्या किया, तो मैं अपना नंबर दे सकता हूं। क्या आप फिजिकल के बारे में मुझसे पूछो, मेडिकल के बारे में पूछो, मुझे हर एक फील्ड का नॉलेज है लगभग। और अगर आपको मेरे नंबर की जरूरत है तो मैं दे दूंगा। अंत में जय हिंद साथियों।